नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हेड कांस्टेबल कैसे बने। हेड कांस्टेबल बनने की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। उनकी क्वालिफिकेशन से लेके एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम कौन से होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जानते हैं, देश के बहुत से नागरिक ऐसे हैं जो देश की सेवा करने के लिए पुलिस की किसी भी पद को प्राप्त करना चाहते हैं। पुलिस के अंतर्गत कई पद आते हैं जिनमें पुलिस कांस्टेबल का भी एक पद होता है। यह पद पुलिस सेवा की प्रथम इकाई होती है जिसे हिंदी भाषा में आरक्षी पद कहते हैं। इस पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और इस पद पर नियुक्ति नागरिक को अच्छी सैलरी भी प्रदान की जाती है। यदि आप भी हेड कांस्टेबल का पद प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हेड कांस्टेबल की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं हेड कांस्टेबल बनने हेतु आयु सीमा क्या है। हेड कांस्टेबल बनने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष रखी गई है तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की आयु के एज लिमिट में थोड़ी सी छूट दी गई है। हेड कांस्टेबल बनने हेतु योग्यताएं जानते हैं दोस्तों। पहले शैक्षिक योग्यता। पुलिस विभाग में कांस्टेबल का पद प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों किसी भी विषय में 12वीं में सफलता प्राप्त करना अनिवार्य है। शारीरिक योग्यताएं दोस्तों, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर, इसी प्रकार बिना फुलाए छाती में 83 सेंटीमीटर और फुलाकर 87 सेंटीमीटर रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए तथा आरक्षित श्रेणियों के लिए 81 सेंटीमीटर रखी गई है बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर रखी गई है फुलाकर मतलब होनी जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट तथा आरक्षित श्रेणियों के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं हेड कांस्टेबल कैसे बने। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए अभ्यर्थी को विभिन्न चरणों से सफलता प्राप्त करनी होती है जो कि इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। आवेदन प्रक्रिया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदक को ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन की जानकारी नहीं प्राप्त है वे अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब लिखित परीक्षा के बारे में भी जानते हैं। आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी को पहले चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा में शामिल होना है जिसमें उन्हें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न उनको 60 अंक का होता है 0.60 और जिन अभ्यर्थी को एक प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है उनको 0.15 मार्क्स काट देते हैं, मतलब उनकी निगेटिव मार्किंग भी होती है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थी को 90 मिनट दिए जाते हैं। अधिकांश लिखित परीक्षा OMR शीट पर ली जाती है। अंत में मेरिट लिस्ट भी जारी की जाती है। जिन अभ्यर्थी को का जारी की गई है मेरिट लिस्ट और उनका नाम आ जाता है तो उन अभ्यर्थी को आगे की परीक्षा के लिए शामिल किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, आपके सही मार्क्स होने पर 0.60 अंक दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग में आपके एक गलत होने पर 0.15 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं शारीरिक परीक्षा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा या मेरिट में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा और दौड़ के लिए बुलाया जाता है। इस परीक्षा में आवेदक को 5 किलोमीटर की दौड़ कम से कम 27 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद इसमें सफलता प्राप्त कर लेने के बाद अभ्यर्थियों की लंबाई और सीने का भी माप की जाती है। दोस्तों अब हम जानते हैं प्रमाण पत्र सत्यापन। इन सभी प्रक्रियाओं के संपन्न हो जाने के बाद अभ्यर्थी की मूल प्रमाण पत्रों की जांच अधिकारियों द्वारा की जाती है और सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर आवेदक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों मेडिकल परीक्षा के बारे में भी जानते हैं। इस चरण के अंतर्गत अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इसमें आवेदक की आँख, कान व शरीर के अन्य भागों की जाँच की जाती है। इसमें आँखों का विजन 6x6 होना जरूरी है। इसके बाद जो अभ्यर्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं उन्हें पुलिस प्रशिक्षण कैंप में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर इस पद के योग्य व्यक्ति को किसी स्थान पर नियुक्ति दे दी जाती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं हेड कांस्टेबल की सैलरी। पुलिस कांस्टेबल को 5,200 से लेकर 20,200 तक सैलरी प्रदान की जाती है जिसमें 1,900 ग्रेड पे सम्मिलित होता है।
इस प्रकार कांस्टेबल को लगभग 24,000 रुपये सैलरी प्राप्त होती है। यह हमने दोस्तों आपको हेड कांस्टेबल बनने की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि आपको इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है या कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको सारी जरूरी जानकारी आपको बताई है। आशा करते हैं कि आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।